यशोमती मैया के नंदलाला। गोकुल के आसपास के स्थानों में गांव में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगो। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है, अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी ताऊ जी, और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। काना ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था। हम चलते हैं यशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी जी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियाँ तो ले लो। नाना जी जी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो, समझ लेना श्री नारायण का प्रसाद है, और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज। जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लन्ना, दिखा कहाँ पीड़ा हो रही, यहाँ लगी तो, यहाँ तो, यहाँ लगी है, इधर आ। अच्छा काना ठीक है जीजी, बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है। मैया कहीं पीड़ा ना हो रही है, यही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी, एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जी जी, का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगे, मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, मेरे निर्दोष काना पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जी जी। नारायण नारायण। शांति क्या हो गो? आज दो मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल, यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है। मुरली अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है, पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा, कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है उतना अधिक ही प्रेम मिलता है। कड़ा दंड तो मिलेगा पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला। मुरली मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करो, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए, पर अभी दुलार दिखाने लगी ना वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? चाहे तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी।
पर वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है, तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ, आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के ऐसे सखा, रण के बाद प्रेम भी ढेर साला मिलता है, असीमित अथा। गाना शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा तू कहाँ चली बच्चे के साथ खेलने, चल। और ये नहीं, काना के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है काना। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। काना तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा काना अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है, इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो। बलराम तेरी कथा सुन के तो लगा था कि काना वीर है, काना साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं, अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगो वो उसका। देख का प्यास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा काना, तू क्यों कष्ट करेगो, तेरी मैया है ना। क्या चाहते हो तुम सब, जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? हाँ, तो लल्ला
बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जी काना उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो? हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू काना को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तू ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती। कान्हा दे मोर दे। आजा काना, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंदलाला क्या कर सकता है। आजा। ओ तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चले जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यही मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते। पूर्णा मौसी? हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब जे बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बता दूं। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा।
इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जल स्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जल स्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दिए हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तुम्हारी गायों को कम पड़ जाएगो। आप रहने दो नंदराज, हम कैसे ना कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज, कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो। सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ, कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़, सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है, तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी? Thank you.
सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी इसे रंग दे दे। भाभी आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती।